पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, कलेक्टर शिवराज वर्मा और पुलिस अधीक्षक निकले जिले के भ्रमण पर। अस्पतालों का निरीक्षण कर लिए वैक्सीनेशन का जायजा। कलेक्टर बोले वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता की है आवश्यकता। मंत्री बोले जिले में न ऑक्सीजन न ही इंजेक्शन की कमी आने दी जाएगी। बड़वानी जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल जहां 237 पॉजिटिव थे, वहीं आज 184 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आंकड़ा 100 से पार है। ऐसे में मंत्री, कलेक्टर और एसपी आज जिले के भ्रमण पर निकले हैं और अस्पतालों में निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले में टिक कारण की स्थिति बहुत कम है, जबकि कोरोना स्पीड से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। वहीं ऑक्सीजन और इंजेक्शन को लेकर कहा कि दो अधिकारी सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लगाए गए हैं, जो डेली पीथमपुर से ऑक्सीजन लाने ले जाने को लेकर ड्यूटी पर हैं। साथ ही इंजेक्शन भी जहाँ 300 अस्पतालों में आए, वहीं 94 अतिरिक्त बुलवाए हैं, ताकि निजी अस्पताल में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अवेलेबल करवाया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन के तोड़ के रूप में कंसंट्रेटर, जो हवा से ही ऑक्सीजन बना देता है, तो बुलवाए हैं। साथ ही 39 जो अस्पताल में खराब थे, उन्हें भी चालू करवाया गया है, जिससे काफी मदद मिलेगी। वहीं पशुपालन मंत्री ने जिले में अब स्थिति सामान्य बताई है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलवाया है, सारी व्यवस्था होगी, अभी इंजेक्शन भी आ गए हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, स्थिति सामान्य है। जब उनसे पूछा कि आपने ग्राउंड जीरो पर देखा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं अपने घर नहीं हूं, लगातार देख रहा हूं। टीम भारती न्यूज़। देखिए, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में माननीय मंत्रियों को प्रभार दे दिया है और मंत्रियों को ये जवाबदारी दे दी है कि कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए और उनके रोकथाम के साथ में लगने वाले संसाधनों को जुटाने की जिम्मेदारी दी है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में काम कर रही है और हम सबको भी सरकार के साथ में मिलकर, समाज को भी सरकार के साथ में अब कंधे से कंधा मिलाकर इस कोविड जैसी महामारी को रोकने में हम सबको लगना होगा। भैया, जिला कलेक्टर कार्यालय सुनसान है, CMHO क्वारंटाइन है, मंत्री जी नदारद हैं, दो सांसद एक मंत्री होने के बाद जिले की ये स्थिति, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो जिला है वो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है। हमारा जिला आदिवासी जिला है और जो जानकारी आपने मुझे दी है, उस जानकारी से आपने अवगत कराया है। मैं शायद, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से सारे ऑफिस में सरकार का एक जो 25% वाला निर्देश आया है वो भी है, कोरोना को लेकर सब में खोफ भी है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं पता करवाता हूँ वास्तविकता क्या है। भैया, सैकड़ा डेली क्रॉस कर रहा है, आज सुबह 237 नए मरीज आए, इसके बाद स्थिति होगी कि 900 के करीब पार हो गए अपन, और जो स्थिति है जिले की, जितने बेड बनाए उन बेडों की स्थिति ये कि वहाँ पर अभी तक ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं, ट्रामा सेंटर तक डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहे, तो ऐसे में कैसे इलाज संभव हो पाएगा? सरकार पिछले एक साल से इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है, शासन और प्रशासन दोनों ही। लगातार हम लोगों ने जनता से अपील भी करी कि मास्क का इस्तेमाल करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, हाथों को साबुन से धोते रहें। इस बात को जनता अभी भी गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं जनता से अपील करता हूं, ये निश्चित रूप से इस बीमारी को अगर हमको रोकना होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने खुद के ऊपर लॉकडाउन लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग और सैनिटाइज़र का उपयोग खुद को करना पड़ेगा। स्थिति आपके सामने है, ज़िले में हमारा टीकाकरण जो काम चल रहा है उसको भी हम देखने आए हुए हैं और अभी देखा गया है कि ज़िले में रोज़ाना जो है टीकाकरण होना चाहिए, उसका केवल 28% हो रहा है। पूरे ज़िले में कोरोना ने अपनी स्पीड पकड़ रखी है। कल 237 केस आए थे, आज 185 केस आए हुए हैं, ये केस 200 के आसपास चल रहे हैं, परंतु मुझे ये लग रहा है कि अभी भी लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। टीकाकरण के बाद में जो व्यक्ति को यदि कोई कोरोना हो भी जाता है तो उसकी जीवन की सुरक्षा हो जाती है। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में टीकाकरण बहुत कम हो रहा है, घर से लोग निकलें, 45 साल से बाहर के जो लोग बचे हुए हैं हमारे पड़ोस में आसपास में सभी लोग लगें और टीकाकरण स्थान पर अपना टीकाकरण कराएं, क्योंकि टीकाकरण से आदमी का बचाव हो सकता है। सर, ऑक्सीजन और इंजेक्शन भी आने वाले थे ज़िले में, कितने कैसे? ज़िले में रेमडेसिविर इंजेक्शन लगभग हमने 300 सरकारी अस्पताल में आ गए हैं। मैंने अलग से प्रयास करके एक मेडिकल स्टोर पर भी 94 बुलवा लिए हैं। जो सरकारी अस्पताल में आए हुए हैं वो सरकारी अस्पताल के लिए काम आ रहे हैं, परंतु प्राइवेट में भी डिमांड है, तो
तो 94 मैंने आज आ गए हैं, तो मैंने प्राइवेट वाले जो इमरजेंसी लोग हैं उनको मैंने दिलवाना चालू कर दिए हैं। एक दो दिन में और डिमांड की है, ज़िले में आ जाएंगे, मुझे लगता है पूरी इंजेक्शन समस्या ख़त्म हो जाएगी। बाकी अन्य व्यवस्थाएँ ज़िले में हम लोग चाकचौबंद करने प्रयास कर रहे हैं। केसेज की संख्या लगातार बढ़ रही है, प्राइवेट अस्पतालों पर भी दबाव है, सरकारी अस्पतालों पर भी दबाव चल रहा है, परंतु सारी व्यवस्था हमने और बढ़ा दी हैं। हम लोगों ने अभी ज़िले में आशाग्राम एक अस्पताल खुला हुआ है, आशाग्राम अस्पताल हमारी बढ़िया सेवा दे रहा है। इसमें 100 बेड जो है ना अस्पताल में काम कर रहे हैं, और 100 बेड हमारे कोविड सेंटर के रूम में भी हैं। जामली में भी मैंने कोविड सेंटर में 150 बेड रखे हैं, वो अभी पूरा खाली है, अभी उसमें लोग उसकी आवश्यकता नहीं हुई है। खेतिया में हमारे ITI में 100 बेड का कोविड सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर 10-15 से मरीज हमारे वहाँ पर जाते हैं। तो ज़िले में हमने बेड की संख्या और ही आवश्यकता पड़ती है, तो जो कन्या शिक्षा परिसर हमारे बने हुए हैं नए, उसमें हम लोग 4 ज़िले में कन्या शिक्षा परिसर हैं, एक एक परिसर में हम 1,000 लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो व्यवस्था हमने पूरी चाकचौबंद की है। कुछ ऑक्सीजन को लेकर के हमें समस्या आ रही थी, मैंने पूरे ज़िले में 1-2 अधिकारियों की टीम बनाई है जो ऑक्सीजन वाला ही काम कर रहे हैं। डेली गाड़ी पीतमपुर भेजते हैं और पीतमपुर से गाड़ी लाते हैं, गाड़ी आ रही हैं जा रही हैं। इसके अलावा एक कंसंट्रेटर की व्यवस्था से एक अच्छा एक माध्यम मिल गया है हमको ऑक्सीजन के रूम में, एक मशीन है कंसंट्रेटर, उस मशीन को मैंने कल ज़िले में ढूंढवाया था। हमारे ज़िले में 49 कंसंट्रेटर हमारे अस्पताल में थे, वो मैंने चालू करवा दिए हैं। तो उससे क्या होगा, जो सिलेंडर जो ऑक्सीजन बाहर से लाते हैं, कंसंट्रेटर जो है ना हवा से ही ऑक्सीजन बना देता है, और उससे लोगों को सुविधा मिलती है। और मैं आज ही 100 नए कंसंट्रेटर खरीदने का मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ताकि जो ऑक्सीजन का दबाव है उसको हम लोग कम कर सकें। बाकी जो बाईपैप वगैरह है, जो आवश्यक चीज़ें हैं जो ICU वगैरह में लगती हैं, वो उसके लिए भी हम लोग परचेस ऑर्डर आज करने वाले हैं। भविष्य में चूँकि मुझे लग रहा है कि केस बढ़ते भी हैं, तो लोग परेशान ना हों, इसकी हम लोग पूरी तैयारी कर रखे हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।